आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया इस्लामिया का बी एल एल बी का ट्वेंटी ट्वेंटी का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं इससे पहले हम जो है बी एल एल बी का टू थाउजेंड नाइनटीन के क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर चुके हैं तो जिसको टू थाउजेंड नाइनटीन की वीडियो देखनी होगी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से देख सकते हैं या आप बी एल एल बी की प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं जो है ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन आंसर करना ठीक है मेरे पास आप ये देख सकते हैं सेट सी है ठीक है अगर आपके पास सेट ए है या फिर बी है या फिर डी है तो आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चन सिर्फ आगे पीछे होते हैं ए बी सी डी में ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर वन से लेके फाइव तक के जो है मार्क द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो तो क्वेश्चन नंबर वन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है इसमें डी अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑथेंटिक तो ऑथेंटिक का सिनोनिम्स होता है फैक्चुअल तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए क्वेश्चन नंबर थर्ड देवा स्टेट तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी क्वेश्चन नंबर फोर बैंक तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सी इंसॉलवेंट क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी इंडिक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स टू टेन मार्क द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम्स फ्रॉम दी वर्ड्स गिवन बिलो ठीक है क्वेश्चन नंबर वन से लेकर फाइव तक उनमें सिनोनिम्स पूछा था इसमें पूछा है एंटोनिम्स तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी स्ट्रेंथ क्वेश्चन नंबर सेवन तो सेवन का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी माइल्ड क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी इनोसेंट क्वेश्चन नंबर नाइन कंटेंप्ट तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑनर क्वेश्चन नंबर टेन तो क्वेश्चन नंबर टेन का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए टर्मिनेटेड ठीक है क्वेश्चन नंबर इलेवन टू सिक्सटीन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉलोइंग सेंटेंस कैन बी रिप्लेस विथ वन वर्ड फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो दूस द करेक्ट वर्ड एंड मार्क दैमेज करेक्ट आंसर तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर इलेवन वन हिज रिलीजियस फेथ तो क्वेश्चन नंबर इलेवन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए एपोज सॉरी बी अपोस्टेट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो होगा डी कोर्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन अ स्टेट इन विच गवर्न द दनी तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अ मैन हु रेयरली स्पीक द्रूथ तो लायर तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ़ द following इज कॉल्ड the स्टडी ऑफ इलेक्शन रिजल्ट एंड वोटिंग ट्रेंड तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन टू ट्वेंटी वन मार्क द लीगल मैक्सिम विद द spelling. स्पेलिंग तो अगर हम क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में बात करें तो सेवनटीन का जो हमारा इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो है बी की एक्ट्रिया ठीक है ये ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है तो सेवनटीन का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर एटीन तो एटीन का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी सॉरी सी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए ठीक है ये आपने लीगल मैक्सिम पढ़े होंगे आप पहचान सकते हैं इसमें स्पेलिंग किसकी गलत है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तो ट्वेंटी का अगर इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन डैश नॉट डैश दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन डिड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इन द मॉडर्न मटेरियलिस्टिक सोसाइटी दी ऑनली एम ऑफ द पीपल अपीयर्स टू बी एक्वायर मनी बाय फेयर मीन्स तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वह है ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव सेलेक्ट देयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स रीड द फॉलोइंग कॉम्प्रेंशन एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो ठीक है तो आप ये जो है रीड कर लीजिएगा मैं इसके आंसर्स बता दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स दी पर्सन कमिटिंग अ सुसाइड शुड बी तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग अगर आंसर बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए एन एडल्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन स्टेट ऑफ इंसैनिटी और अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन द सेम स्टेट ऑफ अ ह्यूमन माइंड तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी फॉल्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट अ पर्सन अवेटिंग सुसाइड अंडर सेक्शन थ्री जीरो फाइव शेल बी पनिशेबल विथ बोथ इंप्रिजनमेंट एंड अ फाइन तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए ट्रू क्वेश्चन ट्वेंटी अंडर सेक्शन थ्री जीरो सिक्स तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी शेल बी पनिश फॉर अ टर्म ऑफ इंप्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू अ पीरियड ऑफ टेन ईयर्स ये देख सकते हैं आप ये पैसेज में लिखा है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेक्शन थ्री जीरो फाइव डज नॉट इंक्लूड अ माइनर कमिटिंग सुसाइड तो क्वेश्चन नंबर थर्टी का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी फॉल्स क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इंडिया बिग न्यूक्लियर रिएक्टर इज नेम्ड एस तो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ध्रुव क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हू इन्वेंटेड दी पोलियो वैक्सीन तो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी बहुत सिंपल क्वेश्चन है यह क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट एनर्जी तो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी वॉलेट लाइट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर द फर्स्ट मेटल यूज द मैन वॉज कॉपर तो थर्टी फोर का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी कॉपर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव द कंटेंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन फैट प्लाज्मा इज मोर देन प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर मोर देन फैट्स एंड फैट लेस देन प्लाज्मा तो इसका जो हमारा थर्टी फाइव का करेक्ट ऑप्शन है वो है सी वाटर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स बुल फाइटिंग इज अ नेशनल गेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है डी स्पेन फाहिन वॉज तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी क्वेश्चन नंबर थर्टी एट वट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स तो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इन विच ईयर इंडिया ज्वाइन यूनाइटेड नेशन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है ए नाइनटीन फोर्टी फाइव कंसिडर स्टेटमेंट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ओके सेकेंड ओके ठीक है तो इस क्वेश्चन नंबर फोर्टी का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए वन एंड टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ तो फोर्टी टू का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री का करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा इसमें सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया तो फोर्टी फोर का करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा इसमें ए ऑस्ट्रेलिया क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वह है सी दादा भाई नरोजी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स दंगब रिवर इन इंडिया इज नोन एज तो फोर्टी सिक्स का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है सी ब्रह्मपुत्र क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट इज एट तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी दार्जिलिंग क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए हैदराबाद क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन क्रॉप विच वॉज नॉट नोन टू वैदिक पीपल इज तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी टोबैको क्वेश्चन नंबर 50. वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स रूलर्स इंट्रोड्यूस रुपी इन इंडिया तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है डी शेरशाह सूरी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू अंडर अकबर दी मीर बख्शी वॉज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए मिलिट्री अफेयर्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी दिफू आसाम क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विथ भूटान तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी फोर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए अरुण सूरी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है डी सेवन अप्रैल क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट विच ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैड शॉर्टेस्ट टेन्योर तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट का अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी वी वी गिरी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटीज तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ अ थाउजेंड लेक्स तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है है ए फिनलैंड क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन दबल टेलीस्कॉप ऑफ नासा इज लोकेटेड इन तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वह डी स्पेस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम लाइट फ्रॉम सन टू रिच द अर्थ तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वह सी एट मिनट्स ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री दी सीट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज एट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वह है बी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर Which one among the following countries is not कंट्रीज इज नॉट अ तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव विच ऑफ द फॉलोविंग गैस वॉज रिलीज ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजिडी तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब तो फोर सिक्सटी सिक्स का करेक्ट ऑप्शन क्या है डी टिम बर्नर स्ली क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन वट डज ओ एस कंप्यूटर ऑब्रिवेशन एब्रीवेशन यूजली मीन ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट हु ऑफ दिल्ली सुल्तान वन तैमुर इन वेडिड इंडिया इन थर्टीन नाइनटी एट तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए इंसेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी क्वेश्चन नंबर सेवनटी का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी कृष्णा क्वेश्चन नंबर सेवनटी वन सेवनटी वन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सी आर्टिकल ट्वेंटी फोर प्रोवाइड्स दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ फोर्टीन ईयर्स शेल बी एम्प्लॉय टू वर्क इन एनी फैक्ट्री ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया तो सेवनटी थ्री का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर वेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय टू और मोर पर्सन इन डैश ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ईच ऑफ सच पर्सन शेल बी लाइबल फॉर दैट एक्ट इन दिस सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी क्वेश्चन नंबर सेवनटी फाइव फाइव का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी लिबर्टी क्वेश्चन नंबर सेवनटी सिक्स सेवनटी सिक्स टूटी मार्क द करेक्ट लीगल मैक्सिम एज अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग ओके तो क्वेश्चन नंबर सेवनटी सिक्स नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड तो क्वेश्चन नंबर सेवनटी सिक्स का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन थिंग मे रादर हैव इफेक्ट देन बी डिस्ट्रॉय तो सेवनटी सेवन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सी क्वेश्चन नंबर सेवनटी एट ऑफ दटमोस्ट गुड फेथ तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए क्वेश्चन नंबर सेवनटी नाइन एन एक्ट डन बागेंस्ट माई वेल इज नॉट माई एक्ट तो सेवनटी नाइन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वह बनेगा बी क्वेश्चन नंबर एटी दर्कमस्टांसिस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ क्राइम एंड कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ अ क्राइम सच एज अब्स तो क्वेश्चन नंबर एटी का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सी क्वेश्चन नंबर एटी वन प्रिंसिपल फैक्ट विलफुल रैश ड्राइविंग हुआ तो क्वेश्चन नंबर एटी वन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ए ठीक है मैं एंसर्स बता दे रहा हूं इसके आपको क्वेश्चन नंबर एटी टू ये आप प्रिंसिपल रीड कर लीजिएगा फैक्ट देख लीजिएगा आसान होते हैं ये क्वेश्चन तो एटी टू का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा बी ए इज गिल्टी ऑफ एक्सट्रोशन क्वेश्चन नंबर एटी थ्री तो एटी थ्री का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा डी वी विल नॉट गेट एनी डैमेजेस फ्रॉम ए क्वेश्चन नंबर एटी फोर तो एटी फोर का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सी ए इज ट्रू आर इज फॉल्स रीजन इज सो क्वेश्चन नंबर एटी फाइव तो एटी फाइव का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा एटी फाइव का डी प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन आर्टिकल फिफ्टीन ठीक है तो आर्टिकल फिफ्टीन किससे रिलेटेड है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज रिलीजन कास्ट रेस तो इस चीज़ पे और ये जो आर्टिकल फिफ्टीन आता है हम अगर हम बात करें आर्टिकल फोटीन से लेके एटीन तक के ठीक है ये सब किस में आते हैं राइट टू इक्वालिटी में तो आर्टिकल फोर्टीन आर्टिकल फिफ्टीन भी किस में आता है राइट टू इक्वालिटी वाले पार्ट में अगर हम बात करें फोर्टीन टू एटीन के बीच में तो फिफ्टीन इसके बीच में ही आता है तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा एटी फाइव का डी राइट ऑफ इक्वालिटी ठीक है क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स दी मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय राज्यसभा मेंबर के लिए जो इलेक्शन द पीपल नहीं लोकसभा नहीं तो क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी ठीक है क्वेश्चन नंबर एटी सेवन सी बी इजा तो एटी सेवन का करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें हमारा ए क्वेश्चन नंबर एटी एट विच ऑफ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर हम क्वेश्चन नंबर एटी एट में बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी ठीक है जस्टिस है सोशलिस्ट है सोवेरन मॉरेलीटी नहीं है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर एटी नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी नॉट बोल रहे हैं ठीक है तो इसमें अगर हम करेक्ट ऑप्शन बात करें तो सी टू प्रमोट इंडियन कल्चर ये हमारी कोई फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी नहीं है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नाइन्टी का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर व्हाट वन वडिशन तो क्वेश्चन नंबर 91 वन का इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है ए क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी तो क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू का इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है डी क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फ्री इंडिया तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री का इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली तो ओरिजिनली पूछा है तो नाइन्टी फोर का इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी थ्री नाइन्टी फाइव क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज अ कोर्ट विच Preserve all its record. तो क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स अ माइनर्स एग्रीमेंट इज वोपोजिशन वॉज मेड इन विच ऑफ दसेस तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन जुडिशियल रिव्यू मीन तो नाइनटी सेवन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी पावर ऑफ द कोर्ट ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइंटी एट वट इज मोड कोर्ट तो एक तरीके से अगर हम इसमें बात करें तो नाइनटी एट का इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी मॉक कोर्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन बियॉन्ड वट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉस्ट इज द सी नोन एज हाई सी तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी टू हंड्रेड किलोमीटर क्वेश्चन नंबर हंड्रेड ज्वाइंट सेटिंग ऑफ बोथ दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय दी हंड्रेड का इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है डी स्पीकर ठीक है ये हमारा क्वेश्चन नंबर हंड्रेड क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड वन दी रिलीज ऑफ अ प्रिजनर इज कॉल्ड तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है डी पेरोल ठीक है वन जीरो वन का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है डी क्वेश्चन नंबर वन जीरो टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इश्यू टू रिलीज द पर्सन फ्रॉम इ लीगल डिटेंशन तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है ए हैबियस कॉर्पस क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन एज तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी कन्विक्शन क्वेश्चन नंबर वन नाट फोर डेवलपमेंट ऑफ फ्लॉ डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ डॉट हैज टेकन थ्रू तो इसका हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑल ऑफ दी अबव क्वेश्चन नंबर वन नॉट फाइव विच इज़ नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स बात करें इसमें से कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं है अगर हम बात करें इनकम टैक्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स है कस्टम ड्यूटी कॉरपोरेशन टैक्स लेकिन रैंक रिवेन्यू नहीं है ठीक है तो ये स्टेट गवर्नमेंट टैक्स तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नॉट पूछ ठीक है तो वन नॉट फाइव का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर वन नाट सिक्स पोरेशन टैक्स तो इसका हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है डी क्वेश्चन नंबर वन नॉट सेवन दर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इज फाइव इयर्स तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है सी नेक्स्ट क्वेश्चन वन नॉट एट विच अमोंग दिंग इज मेन फंक्शन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज फंडिंग द कॉर्पोरेट सेगमेंट नहीं होता फंडिंग द कमर्शियल बैंक या फंडिंग द फाइनेंशियल इंटरमीडियर नहीं होता तो प्रोवाइड लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड शेयर तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी नो वन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर दिस सेम ऑफेंस दिस डॉक्टर इज कॉल्ड डबल जियोपैडी तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग तो इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन सिटीज हैज गॉट द वर्ल्ड गिनीस रिकॉर्ड फॉर लाइटिंग फोर लैक दियास तो इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है ए अयोध्या नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉन दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 तो इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है ए विनोद खन्ना नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स हैव रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर पीएम किसान संपदा योजना तो इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी थर्टी टू नेक्स्ट क्वेश्चन वन वन फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री बैंक्स दैट विल बी मर्ज टू फ्रॉम द थर्ड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया तो इसका हमारा इसमें बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी इंडियन बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन

क्वेश्चन नंबर हु बिकम फास्टेस्ट इंडियन टू टेक हंड्रेड विकेट्स इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी मोहम्मद नेक्स्ट क्वेश्चन दी कोरोना वायरस आउटब्रेक इन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वॉज स्टार्टेड इन चाइनीज सिटी ऑफ इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है डी हैज हुन द 2019 मैन बुकर प्राइस तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए क्वेश्चन नंबर 120 ट्वेंटी जुलेंट गोस्वामी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स तो इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है सी क्रिकेट नेक्स्ट क्वेश्चन नीति आयोग हैज सेलेक्टेड विच यूनियन टेरिटरी फॉर द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो इसका हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वह ए जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट क्वेश्चन वन ट्वेंटी टू स्पेन एंड विच कंट्री हैज बीन नेम को होस्ट ऑफ दी ट्वेंटी ट्वेंटी टू वोमेन हॉकी वर्ल्ड कप तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है डी नीदरलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी थ्री विच स्टेट टॉप इंडिया फर्स्ट अवर रैंकिंग ऑफ स्टेट ऑन जस्टिस डिलीवरी तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी महाराष्ट्र ठीक है क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फोर Which कंट्री इज टू बी द पार्टनर कंट्री ऑफ इंडिया एट the ट्वेंटी ट्वेंटी कॉन्फ्रेंस तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वह डी स्विटरलैंड क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फाइव आई एस आर ओ इज टू सेटअप इट्स सेकेंड लॉन्च पोर्टल इन तमिलनाडु फॉर एस एस एल वी वट डज एस एस एल वी स्टैंड फॉर तो क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फाइव का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वह सी स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सिक्स ऑन विच डेट द कम्युनल हारमोनी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वह ए अगस्त ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सेवन द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन वॉज हेल्ड इन विच सिटी तो इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है ए न्यू दिल्ली क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी एट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डी क्लासीफाइड तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वन ट्वेंटी एट का वह है बी इकबाल चंद मल्होत्रा क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी नाइन सराय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट तो इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है डी उत्तराखंड क्वेश्चन नंबर वन थर्टी विच लैंग्वेज हैज रिसेंटली बीन यूज फॉर फर्स्ट टाइम इन राज्यसभा तो इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है वो है डी क्वेश्चन नंबर वन थर्टी वन विच स्टेट इज गोइंग टू ऑब्जर्व ट्वेंटी ट्वेंटी एस सुशासन संकल्प वर्ष तो वन थर्टी वन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सी हरियाणा क्वेश्चन नंबर वन थर्टी टू विच इज द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू गेट डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट तो वन थर्टी टू का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सी बेंगलुरु क्वेश्चन नंबर वन थर्टी थ्री दफ स्टेट हैज़ द बेस्ट टैब्लोक्स अवार्ड फॉर रिपब्लिक डे परेड ट्वेंटी ट्वेंटी तो वन थर्टी थ्री का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी असम क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फोर विच स्टेट हैज रिसेंटली मेड रीडिंग ऑफ प्रम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मैंडेटरी प्रैक्टिस इन स्कूल तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी मध्य प्रदेश क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फाइव विच सिटी प्ले होस्ट टू गर्ल्फ फूड ट्वेंटी ट्वेंटी द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनुअल फूड एंड बेवरेज ट्रेड एग्जीबीशन तो वन थर्टी फाइव का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सी दुबई क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सिक्स तो वन थर्टी सिक्स का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी भुवनेश्वर द फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन ऑफ द कंट्री विद सपोर्ट ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट इज टू बी बिल्ट इन विच स्टेट तो क्वेश्चन नंबर 137 का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए बिहार क्वेश्चन नंबर 138 विच कंट्री इज द फर्स्ट टू डेवलप एन एंटीबॉडी टेस्ट टू आइडेंटिफाई द नोवेल कोरोना वायरस तो 138 का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी सिंगापुर क्वेश्चन नंबर 139 हु इज द चेयर पर्सन ऑफ द रिसेंटली रिकंstituted नेशनल प्लेटफार्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वन थर्टी नाइन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वह ए यूनियन होम मिनिस्टर क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया आफ्टर सुधीर भार्गव तो वन फोर्टी का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए सॉरी बी बिमल जुल्का क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी वन तो वन फोर्टी वन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सी ठीक है ये देख सकते हैं टू प्लस टू हो जाएगा फोर फिर ये माइनस टू मल्टीपल टू ये भी फोर फिर देन प्लस टू ये कैंसिल टू बचेगा ठीक है क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी टू इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा वन फोर्टी टू का वो आएगा बी ठीक है ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा आंसर इसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी थ्री वट कम्स नेक्स्ट इन दिस सिक्वेंस पहले है वन देन सिक्स देन थर्टीन देन ट्वेंटी टू देन थर्टी थ्री तो वन फोर्टी थ्री का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सी फोर्टी सिक्स देखिए ये पैटर्न कैसे बना वैसे मैं डिटेल सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा सबसे पहले क्या लिखा है देन प्लस क्या हुआ है सेवन ठीक है सिक्स में सेवन प्लस थर्टीन फिर उसके बाद देन फाइव के बाद फिर नाइन प्लस है फिर ऐसे ही आप आगे चेक कर लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा तो वन का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें सी ठीक है क्वेश्चन नंबर 144 144 तो 144 का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ए क्वेश्चन नंबर 145 फोर्टी फाइव हाउ मेनी फीट्स देयर आर इन फाइव मीटर इफ वन मीटर इज दिस तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया इन्होंने तो 145 का करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर 146 तो 146 का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा डी क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सेवन वन फोर्टी सेवन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा बी वन फोर्टी सेवन इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा बी ठीक है आपको इसको सबको प्लस कर देना है और डिवाइड कर देना ठीक है कितने डिजिटे थ्री सिक्स सेवन तो इन सबको प्लस करके सेवन से डिवाइड कर देना आंसर आ जाएगा दैट मीन्स ऊपर फोर्टी टू आएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी एट तो वन फोर्टी एट का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा बी ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी नाइन तो वन फोर्टी नाइन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा आप सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी ट्वेंटी टू एंड क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी तो वन फिफ्टी का इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ए ट्वेंटी थ्री ईयर्स ठीक है तो जो बच्चे जो है जानना चाहते हैं कट ऑफ क्या रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जैसे कि बच्चे मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आप अब आंसर मैच करेंगे अपने और मार्क्स एग्जैक्ट बताएंगे मुझे कि एग्जैक्ट मार्क्स क्या आए हैं एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं बताएंगे ठीक है जो एग्जैक्ट मार्क्स बन रहे हैं आप आराम से पेपर मैच करिएगा क्वेश्चन आंसर अच्छे से मैच करके उसके बाद आपके कितने करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं ठीक है तो आप या तो नेगेटिव मार्किंग करके खुद मुझे बताइएगा या फिर आपके करेक्ट कितने क्वेश्चन हुए और इनकरेक्ट कितने क्वेश्चन हुए आप ऐसे लिख दीजिएगा ताकि मैं जो है आसानी से पता लगा सकूं कि मतलब पेपर आप लोग कैसा कर कर आए हैं ठीक है तो मैं फिर उसी हिसाब से मुझे और कट ऑफ बनाने में आसानी रहेगी अगर हम पेपर का लेवल बात करें तो पेपर लेवल जो है आप कह सकते हैं मॉडरेट लेवल है अगर पेपर लेवल की आप बात करें तो पेपर लेवल जो है मॉडरेट लेवल है कोई ना ज़्यादा मुश्किल है ना ही ज़्यादा आसान है ठीक है तो आप अपने जो है अब आंसर मैच करने के बाद जो है मुझे जो है आप अपने मार्क्स कमेंट करके अच्छे से बता देंगे ठीक है या तो आप खुद नेगेटिव मार्किंग कर लेंगे अदरवाइज़ आप आपने कितने करेक्ट किए कितने इनकरेक्ट करें और कितने क्वेश्चन नहीं किए ठीक है थीके? तो ये तीन चीज़ आप लिख सकते हैं या आप तीन चीज़ नहीं तो आप बस इतना ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट मार्क कर कर आएँ और कितने इनकरेक्ट मार्क कर कर आएँ ठीक है फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं उसकी वीडियो जो है कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ़ क्या रह सकती है मैं उसकी वीडियो बना दूंगा ठीक है उसके अलावा किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं थैंक यू